الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر اب یہ نہیں چلنے دیں گے نہیں چلنے دیں گے سناتن دھرم کے انوسار ایسا نہیں ہونے دیں گے آپ سناتن دھرم کی نہیں سمجھ رہے آپ سناتن دھرم کی अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं मुजफ्फर ब्लॉग न्यूज़। आज का न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ कि दिल्ली के हिंसा जो किया है, हनुमान यात्रा, शोभा यात्रा जो बोलते हैं, शोभा यात्रा में कोई तलवार लेके निकलता है, कोई तमंचा लेके निकलता है। आप देखे होंगे कि अभी वीडियो में देखिएगा किस तरह से इन लोग जो निकल रहे हैं गली में और मस्जिद में, किस तरह से उन लोगों ने पथराव किया है। शराब के बोतल भी फेंके हैं वहां पे और तलवार लहरा रहा है, तमंचे भी हाथ में हैं और गाली भी बक रहे हैं और JSR का नारा भी लगा रहे हैं। किस तरह से इस तरह से नफरत फैलाया रहा है हिंदुस्तान में। और ये सिर्फ यूपी, कर्नाटक, उत्तराखंड नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में ये पहुंच चुका है भाई साहब, ये नफरत पहुंच चुका है। ये नफरत से आपको कैसे निजात मिलेगी, आपको खुद सोचना है। ये हिंदूवादी, ये भगवा आतंकवादी है, ये पूरे हिंदुस्तान में पहुंच चुका है भगवा आतंकवादी। ये हिंदू नहीं है, ये राम को मानने वाले नहीं है, ये भगवा आतंकवादी है। ये भगवा आतंकवादी जब से बीजेपी आई है तब से ये पार्टी बनी है, ये भगवा आतंकवादी बनी है, बजरंग दल आतंकवादी बनी है, हिंदू विश्व परिषद ये आतंकवादी बनी है। ये हिंदू नहीं है, ओरिजिनल हिंदू नहीं है। मेरे दोस्तों, इस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है, इस तरह से दिल्ली में हिंसा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल के घर में हमला करने वालों को बेल मिली थी, वो रिहा होकर आए थे। दिल्ली के जो अध्यक्ष है उनको सम्मान किया था, सम्मान करने के बाद दूसरे दिन देखिए इस तरह से दंगा हुआ है। कितना उसका हौसला बढ़ा हुआ है, कितना उसका हौसला बढ़ा दिया गया जनता, भारतीय जनता पार्टी ने। उसके दिलों में कुछ खौफ है ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर आका है, उस पर मौन रहता है पीएम मोदी, उस पर मौन रहता है केंद्र मंत्री, उस पर मौन रहता है तमाम बड़े बड़े जो नेते हैं, सब चुप है, खामोश है। इतने हर राज्य में दंगा हो रहा है, हर राज्य में इतना शोभा यात्रा के नाम पे, रामनवमी के नाम पे गुंडागर्दी कर रहा, आतंक मचा रहा है, सब बड़े बड़े नेते खामोश है मेरे दोस्तों। यानी ये समझ जाइए कि हिंदुस्तान को कुछ करना चाह रहा है ये। मेरे दोस्तों, ये नफरत सिर्फ दिल्ली और राजस्थान और कर्नाटक में नहीं रह गया है, ये नफरत पूरे हिंदुस्तान को जकर चुका है, पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। ये भगवा आतंकवादी पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करना चाह रहा है, ये भगवा आतंकवादी पूरे हिंदुस्तान को एक मजबूत पकड़ना चाह रहा है, भगवा झंडा लहराना चाहता है। मेरे दोस्तों, इस तरह से भगवा आतंकवादियों ने पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है मेरे दोस्तों, जब से बीजेपी आई है। अभी आपको एक मैं वीडियो दिखाता हूँ किस तरह से एक पंडित है, किस तरह से नफरत फैला रहा है। ये पंडित को देख लीजिए वीडियो में क्या कह रहा है। सब हमारी प्रार्थना है, हिंदुओं जगो, जो तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके उसके घर जैसे भी लेकर चलो, क्योंकि ये भारत सनातनियों का है और सनातनियों के देश में अगर राम की यात्रा पर, रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे, बुझ दिलो, कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। तो कह रहा है कि हथियार उठा लो, हथियार उठा लो, जो इस देश में रहेगा उसको JSR का नारा लगाना पड़ेगा। क्या उसके बाप का हिंदुस्तान है जो JSR का नारा लगाएगा? हम तो किसी पर जबरदस्ती नहीं करते हैं कि अल्लाह पर तुम बोलो, हम तो ये नहीं कहते हैं कि तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम किसी पर नहीं थोपते हैं, क्योंकि हमारा मजहब सिखाता है कि दीन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं दीन फैलाने के मामले में। लेकिन उसका भगवा आतंकवादियों ने कहा रहा है जो हिंदुस्तान में रहेगा उसको JSR का नारा लगाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, ये कौन सा प्रचार है? ये तो राम को भी आप तकलीफ दे रहे होगे कि किस तरह से राम को तुम लोग बदनाम करके, वोट हासिल करके सत्ता पे आए हो और सत्ता में आने के बाद दूसरी पार्टी तैयार कर रहे हो, यानी भगवा आतंकवादी तैयार कर रहे हो। मेरे दोस्तों, ये भगवा आतंकवादी तैयार कर रहा बीजेपी वाले।
ये आरएसएस मिलके भगवा आतंकवादी तैयार कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान को जकर चुका है, पकड़ चुका है। मेरे दोस्तों, आपको समझना है इस देश को किस तरह से आपको बदलना है, इस देश को एकता कायम करना है। इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा भी नहीं उठाएगा, दलाल मीडिया वाले सब नहीं दिखाएंगे, ये सब बात नहीं होगी, सिर्फ नफरत और नफरत की बात हो रही है। मेरे दोस्तों, मीडिया का काम होता है, हुकूमत सरकार जो होती है उसको उससे सवाल पूछा जाता है कि आपने साल में कितने के रोजगार दिया है, कितना आपने महंगाई को कंट्रोल किया है। ये मीडिया का काम होता है सवाल पूछने का, लेकिन मीडिया वाले सिर्फ नफरत पे नफरत फैला रहा है। और सुदर्शन न्यूज चैनल वाला है, ये कुत्ता सिर्फ नफरत फैला रहा है। ये सुदर्शन न्यूज चैनल है, ये कुत्ता सिर्फ नफरत ही नफरत फैला रहा है। ये हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व की आतंकवादी बजरंग भगवा आतंकवादी का सपोर्ट कर रहा है ये सुदर्शन न्यूज चैनल। इसको आप लोग बायकॉट कीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। देखिए, मैं आपको एक तरफ से सारे वीडियो दिखा रहा हूं। जहांगीरपुर समझिए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रह करके हिंदू जय श्री राम बोल करके आपको रहना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, क्यों रहना होगा भाई साहब, क्यों रहना पड़ेगा? ये देखिए, ये किस तरह की सिचुएशन बनाने की कोशिश हो रही है इस देश में। और बाकी के सब लोग, ये इस मस्जिद के सामने ये नारा लगाया जा रहा था और जिस तरह से माहौल खराब करने की फिर से दोबारा कोशिश हो रही थी, उस पर जब सवाल किया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है, दिल्ली पुलिस भी यहाँ मौजूद है और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। दिल्ली पुलिस के सामने इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोग किस तरह से उन लोगों ने आतंक मचाया है, भगवा आतंकवादियों ने किस तरह से तमंचे लेके, किस तरह से तलवार लेके, और मेरे दोस्तों उल्टा मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। आप मुसलमान एक हो जाओ, एक हो जाओ मुसलमान, एक हो जाओ। और जहां भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ होता है, आप एकता कायम कीजिए और कानून के दायरे में रहकर आप उन पर कार्रवाई करने की कोशिश कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से दूसरे वीडियो में।